बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। के बिरले नैनों के बाधे आए सजना रात मिलन की, कितने दिनों आइए दोस्तों, आज बात करते हैं सुप्रसिद्ध गीतकार लालजी पांडे के पुत्र शीतला पांडे के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारे सभी क्वालिटी पसंद दोस्त हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियोस के पहुंचने की ध्वनि सबसे पहले आपको मिल सके। ये नाम सुनकर आप चौंक गए ना। हालांकि इन दो व्यक्तित्वों ने दशकों से हिंदी फिल्मी जगत में उत्कृष्ट रचनाकारों के रूप में न केवल अपना नाम स्थापित किया है वरन श्रोताओं से प्रेम और सम्मान भी पाया है। तो ये दो शख्सियतें हैं सुप्रसिद्ध गीतकार लालजी पांडे यानी अनजान और शीतला पांडे यानी उनके पुत्र और हम सब के चहेते समीर। हम प्यार करने वाले दुनिया से न डर, दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल का अनवरत सफर, 500 से अधिक फिल्में और लगभग 6000 फिल्मी गीत, जिनमें से ज़्यादातर बेहद लोकप्रिय और इन गीतों के लिए अनेक पुरस्कार। किसी भी गीतकार का यही सब कुछ तो सपना होता है, जिसे यथार्थ में पा लेने वाले खुशकिस्मत गीतकार हैं समीर। आज उनके पास वह सब कुछ है जिसकी चाहत आमतौर पर किसी कलाकार को होती है, कामयाबी, शोहरत और बुलंदी। लेकिन इन सब को पाने के लिए उन्होंने इसी इंडस्ट्री में संघर्ष का एक लंबा और तकलीफ देह दौर भी झेला है। फिल्म इंडस्ट्री की पथरीली राहों पर अपनी पहचान उन्होंने खुद बनाई। 24 फरवरी 1958 को बनारस जिले के ओडार नामक गांव में जन्मे समीर के मन में बचपन से ही कई भाव उमड़ते घुमड़ते रहते थे, जिन्हें वे अपने शब्दों में ढालने का प्रयास करते थे। अपनी पहली कविता की पहली पंक्ति उन्होंने तब लिखी थी जब वे बनारस के कोतवाली स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ते थे। यह म्यूजिकल फैमिली में पढ़ने बढ़ने का असर था कि उन्होंने कवि बनने का सपना पाल रखा था। लेकिन तो भी घर वालों की इच्छा के अनुरूप उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमकॉम किया और नौकरी की तलाश में जुट गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उनकी नौकरी तो लग गई, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा। उनका दिल बार बार उनसे यही कहता कि उन्हें भी अपने पिता के समान फिल्मी गीतकार बनना है। अंततः उन्होंने नौकरी छोड़कर गीतकार बनने का निर्णय ले ही लिया। जब उनके पिता और पूरे परिवार को इस बात का पता चला तो सब उनके विरोध में खड़े हो गए। उनके पिता चाहते थे कि वे नौकरी करके एक व्यवस्थित जिंदगी बिताएं, लेकिन समीर अपने फैसले पर अडिग रहे। आखिर माँ से 500 रुपये लेकर 5 अप्रैल 1980 को वे मुंबई के लिए रवाना हो गए। 6 अप्रैल को दादर स्टेशन पर उतरकर पहली बार उन्होंने मुंबई की सरजमी पर कदम रखा। यहाँ उन्होंने मड आइलैंड में एक खुली किराए पर ली और गुजारे के लिए ट्यूशनें पढ़ाने लगे। मशहूर फिल्म पत्रिका माधुरी में भी उन्होंने बतौर फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम किया। जिस संगीतकार का वे इंटरव्यू लेने जाते उसे अपनी 2-4 कविताएँ जरूर सुना आते। बहरहाल काफ़ी समय तक मुंबई में उन्होंने पापड़ बेले, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। उन्हीं दिनों गांव में चाची की तबीयत खराब होने के कारण वे 2-3 दिनों के लिए गांव आए। संघर्ष की आग में जलने के कारण समीर की हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। खासकर माँ को उनकी हालत देखकर काफ़ी शौक लगा। उन्होंने मुंबई में रह रहे अपने पति को इस बात की सूचना दी।
उस समय तक अनजान को यह पता नहीं था कि समीर भी मुंबई में ही रह रहे हैं। समीर के मुंबई लौटने के बाद वे अपने पिता से बांद्रा के पंपोज रेस्टोरेंट में मिले। बहुत आश्चर्य होता है कि एक ही शहर में एक ही लक्ष्य के लिए चल रहे दो पिता पुत्र आपस में नहीं जानते कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और उनकी मुलाकात होती भी है तो एक रेस्टोरेंट में। पिता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत से अवगत कराया, अपने अनुभव सुनाकर यह स्पष्ट रूप से बताया कि यहाँ यदि जन्नत देखनी है तो मरना खुद ही पड़ेगा। समीर को काफ़ी समझाकर और उनकी हौसला अफजाई कर उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। अनजान उन्हें अपने साथ इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि वे खुद अपने छोटे भाई के साथ रहते थे। समीर के संघर्ष का दौर जारी रहा। उन्होंने उर्दू सीखी, वे लगभग हर संगीतकार से काम के लिए मिले। अनजान का बेटा होने के कारण वे समीर की बात तो सुन लेते थे, गीत भी सुन लेते, लेकिन समीर की क्षमताओं पर उन्हें यकीन नहीं होता। वे उनके गीतों को अनजान के लिखे ही समझते। कुछ संगीतकार उन्हें परखने के लिए अपने सामने गीत लिखने को कहते। इसी दौरान वे एक बार उषा खन्ना से मिले और उन्हें अपने लिखे हुए 10 गाने एक साथ सुनाए। उषा जी को वे गीत पसंद आए और उनमें से 4 गीत उन्होंने अपनी फिल्म बेखबर के लिए रख लिए। इस प्रकार 23 साल की उम्र में उनका पहला गाना गोरी परेशान है काली परेशान है फिल्म बेखबर के लिए रिकॉर्ड हुआ। काम तो मिल गया, लेकिन समीर के लिए सही मायनों में सफलता अभी दूर थी। सन 1986 में आई सुपरहिट फिल्म लव 86 के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे कुछ गीत लिखवाए, जिनमें से एक गीत किस्मत अपनी खुल गई चल पड़ा, और यहीं से समीर की किस्मत के पार्ट भी थोड़े से खुले। अगले वर्ष अनु मलिक ने उनसे इंसानियत के दुश्मन में गीत लिखवाए। 1988 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें फिल्म कुदरत का कानून से एक बड़ा ब्रेक दिया। इस फिल्म के सभी गीत समीर ने लिखे थे, जिन्हें खूब लोकप्रियता भी मिली। खासतौर से 2 गीत बड़े पॉपुलर हुए, तुझे इतना प्यार करें और मुखड़ा चांद का टुकड़ा। तुझे इतना प्यार करें, तुझे कितना प्यार करें, तुझे इतना प्यार करें, तुझे कितना प्यार करें। यहाँ समीर ने कामयाबी का पहला स्वाद चखा। इसी वर्ष लक्ष्मी प्यारे के संगीत वाली बीवी हो तो ऐसी का एक गीत भी खूब सुना गया, और वो था फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। वक्त बदल रहा था। 1988 में उनकी मुलाकात संगीतकार आनंद मिलिंद से हुई, जो उन दिनों फिल्म रखवाला का संगीत तैयार कर रहे थे। समीर ने इस फिल्म में गीत लिखे। इसके बाद आनंद मिलिंद की अगली फिल्म दिल में भी उन्हें गीत लिखने का अवसर मिला, और इसी फिल्म के गीतों ने उन्हें एकदम लाइमलाइट में ला दिया, और समीर रातोंरात पूरी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गए। फिल्म की सफलता में इसके संगीत का बहुत बड़ा योगदान था। याद है ना आपको ये सारे गीत? मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा।
इसी वर्ष नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म आशिकी आई, जिसके गीत भी समीर की कलम से ही निकले थे। सभी गीत आपके जाने पहचाने हैं, देखिए एक झलक। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत जानी जिगर जानी मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, मेरी जिंदगी है अब तेरे बिन, जी लेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया समीर के गीत लेखन में आशिकी एक ट्रेडमार्क की तरह हमेशा कायम रहेगी। इस फिल्म के संगीत ने भी लोकप्रियता का इतिहास रचा और इसी के साथ समीर तो जैसे फिल्मों से लद गए, फिल्म इंडस्ट्री में वे एक बेहतरीन गीतकार के रूप में उभर कर सामने आए। दोस्तों, इस अंक में बस इतना ही। समीर की जिंदगी और उनके गीतों की बातों का सिलसिला अगले अंक में जारी रहेगा। उनके सुपरहिट गीतों और फिल्मी दुनिया में उनकी दूसरी पारी को जानने के लिए अगले अंक में अवश्य जुड़ें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।